सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पायल जोन के बारे में। तो अगर तुम लोगों ने पायल जोन की रिसेंट वाली वीडियो देखी होगी तो तुम देखोगे कि पायल जोन की जिंदगी आखिर कितनी तेज भाग रही है। फाइनली आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब, मुझे देखने आए लड़के वाले, ये भी सौरभ जोशी का फैन है। आई गॉट प्रेगनेंट, सौरभ जोशी शर्म करो। अच्छा मतलब प्रेगनेंट हुई खुद, सारे मजे भी लिए खुद, और शर्म सौरभ जोशी करे। सौरभ जोशी किल्ड माय सिस्टर पायल दीदी। फाइनली गाइस यूट्यूब से बहुत बड़ा कचरा साफ हो गया। अब हमें पायल जोन की और वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। नाचो। बस हो गया, नाचना बंद करो। मैं क्या लगता है YouTube से इतना बड़ा कचरा इतनी आसानी से चला जाएगा। ऑब्वियसली बाकी YouTube वीडियो की तरह ये वाली वीडियो भी उसकी फेक ही होगी। तो चलो एक बार ना वो वाली वीडियो देख लेते हैं जिसमें पायल जोन का भाई हमें इतनी बड़ी खुशखबरी देता है। गाइस पायल दीदी अब हमारे बीच में नहीं रही। क्या बात है जी, एक्टिंग की बात है। पायल जोन तुझे और कोई नहीं मिला एक्टिंग करवाने के लिए? नहीं, तेरे भाई से अच्छी एक्टिंग तो आजकल के इंस्टाग्राम के छपरी मॉडल्स कर लेते हैं। कितनी जालिम उसकी अदा है, तू बेवफा। मुझे देखने आए लड़के वाले, ये भी सौरभ जोशी का फैन निकला। हाय गाइस, तो दोस्तों आज मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, नर्वस हूँ बिकॉज़। हाय गाइस, आज मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ क्योंकि आज मैं अपनी क्रश को अपनी दिल की बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। आज मेरे को देखने के लिए आ रहे हैं लड़के वाले। यस गाइस, मेरे घर पे लड़के वाले आ रहे हैं मेरे को देखने के लिए। ये कौन सा जबरगंज है जो इससे शादी करना चाहता है? वो ये क्यों नहीं सोच पा रहा है कि जिसे वो अपने सपनों की रानी समझ रहा है वो एक्चुअली में रानी नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसे कोई लड़का देखने नहीं आ रहा इसे, तो पता नहीं इसने किसके व्लॉग का क्लिप चुरा के उसमें अपना वॉइस डाल के ऐसा दिखा रहे कि उससे लड़के देखने वाले आ रहे हैं। तो जब मैं मिठाई लेके घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे सारे रिश्तेदार एंड सारी फैमिली वाले बैठ के वेट कर रहे थे। आपको दिखा देती हूँ जो मैं मिठाई की दुकान से लाई हूँ। तो मैं काफी सारे समोसे लेकर आई हूँ, चिप्स लेकर आई हूँ एंड मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये सब देख के। मुझे खुद भी मन कर रहा खाने का लेकिन मुझे खाने नहीं दिया गया। तो जब मिठाई वाले के दुकान पर जाके तू मिठाई छोड़कर ये सब लाएगी, ऐसा ही होगा ना तेरे साथ? मिठाई के दुकान पर मिठाई लाने को भेजा था, लेकर आ गई समोसे चिप्स। अच्छा, तो जब कभी भी पायल जोन को अपना फोन रिपेयर करवाना होगा तो ये मोबाइल टेक्नीशियन के पास नहीं जाती होगी बल्कि बैटिंग वाले के पास चली जाती होगी। इतनी डम है ये। बीच में तुम सबने देखा होगा कि YouTube पे पायल जोन के भाई का जन्म हो गया था, स्टार अमित की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपनी वीडियो में ट्रिगर इंसान को चाकू मारने की बात कर रहा था उसी की। तो उससे रिलेटेड पायल जोन के सब्सक्राइबर ने पायल जोन से सवाल पूछा, तो देखो उसने क्या बोला। स्टार अमित बोलते हैं कि वो मेरे से इंस्पायर हुए, तो वो चीज बिल्कुल गलत है क्योंकि मेरे को देख के चाकू मारने की धमकी दी है। तो भैया मैंने तो आज तक अपने चैनल पे किसी को मारने की धमकी नहीं दी है। हाँ सही बात है, पायल जोन ने आज तक अपने चैनल पे किसी को मारने की धमकी थोड़ी दी है बल्कि पूरा मार ही दिया है। दीदी आर यू प्रेग्नेंट? सीरियसली भाई ये क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, और मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें कोई बंदा बोल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये बिल्कुल ही गलत है। मैंने खुद भी ऐसी वीडियोस के थंबनेल देखे हैं जिसमें ऐसे थंबनेल लगाए गए हैं कि पायल जोन इज प्रेग्नेंट, बट गाइस ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इस वीडियो में अपनी तरफ से इतना ज्यादा ज्ञान देने के बाद इसमें इतनी शर्म थी, इसने अपने वीडियो में सेम वही हरकत की इससे रिलेटेड अपने व्यूवर्स को ज्ञान दे रही थी। मतलब कोई इतना ज्यादा हिपोक्रेट कैसे हो सकता है? वीडियो के अंदर दर्जन भर का ज्ञान देने के बाद सेम वही गलती कर रही है अपने वीडियो में। सर ये थंबनेल लगाना मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, थोड़ा ऑफेंसिव लगता है ये। इस वीडियो में लगाने से पहले तुझे खुद की ये वाली बात याद नहीं आई? यार मैं तुझे कुछ बोल भी क्यों रहा हूँ, तो बातें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो जाता है। भैंस के आगे बीन तो मैंने आज तक नहीं बजाई। अरे गाइस तुमने बीन बजाई है या नहीं बजाई है कमेंट में जरूर बताना। कि वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, 93% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। अब कर रहे हो तुम, मतलब इतना अच्छा काम, इतना पुण्य कमाने वाला काम तुम कैसे नहीं कर रहे? तो कर दो, बाकी मैं तुम सबको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।